हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाउ टू प्रिपेयर अ BOQ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक BOQ हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। बात करेंगे कि BOQ होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी रहती है, ये सारी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब आपको सीधे लेके चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि प्रोटेक्शन सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनके नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती हैं, एज पर साइट रिक्वायरमेंट कैसे कैसे उसको हम BOQ में कैसे कैसे उसका इनपुट देते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक प्रोटेक्शन सिस्टम में यानी कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के एक कंप्लीट पैकेज में BOQ में कौन कौन सा लाइन आइटम होते हैं और कौन कौन सी चीजें हमको ऐड करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं आप सीधे वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं BOQ का प्रिपरेशन। अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए एक फॉर्मेट बना हुआ है BOQ का, और इस BOQ का फॉर्मेट कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीजें इनपुट हम देते हैं, उसके बारे में एक डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, यानी कोई भी अगर आप BOQ बना रहे हैं तो सबसे पहले वहां पे आपको लिखना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का नाम। जैसे जो भी XYZ आपके प्रोजेक्ट का नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम आइटम्स की कि नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कितने हैं और उसके साथ उनके सब आइटम्स कौन कौन से हैं। जैसे लाइन आइटम में यहाँ पे लिखा हुआ है एक, और एक के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें कौन कौन से सब आइटम्स हैं, उसके बारे में हमको एक एक चीजें लिखनी पड़ेंगी। इधर की तरफ चलते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि कौन सा मटेरियल है, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल रहती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ेंगे, उसका यूनिट रहेगा कि जो मटेरियल है वो कितना, उसका यूनिट क्या है, जैसे कि नोज है, मीटर है, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहेगी। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो आगे क्वांटिटी रहेगा कि उसका कितना क्वांटिटी साइट पे यूज होने वाला है, और जस्ट उसके आगे रहेगा रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है रेट, कि उसका रेट क्या है, जो भी हम वो चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसका क्या रेट हमको मिलेगा। ये जो हम BOQ दिखा रहे हैं वो एज पर इंस्टॉलेशन रेट का दिखा रहे हैं कि आपको इंस्टॉल करने का कितना रुपया मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंस्टॉलेशन रेट का BOQ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सबसे पहले, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करेंगे BOQ में कौन कौन से लाइन आइटम होते हैं, उसके अभी मार्केट में क्या क्या रेट है। अगर हम रेट के बारे में बात करें कि किस चीज का रेट है, कि किस लेवल के वेंडर का रेट है, तो मैं आपको बता दूं ये एक कॉन्ट्रेक्टर बेसिस रेट है, यानी कि अगर आप मार्केट में अभी आए हुए हो, नए नए हो, अगर आपको 4-5 साल ही हुआ है, अगर आपने कोई कंपनी नहीं खोली है तो उस लेवल का रेट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी छोटी मोटी कोई कंपनी है तो उस लेवल का रेट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं हम सीधे रेट की तरफ, बात करेंगे अभी कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में किस किस इक्विपमेंट का क्या क्या रेट अभी बना हुआ है विद BOQ। सबसे पहले नंबर पे चलते हैं, बात करेंगे हम, सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है फायर पंप एंड इक्विपमेंट, यानी कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया फायर पंप और इसके इक्विपमेंट, कि कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे SITC, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन फायर पंप सेट फैक्ट्री। यानी ये कुल मिलाजुला के कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन फायर पंप है उसका ये SITC में आपको, यानी कि सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग का ये लगने वाला है। पंप का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है पंप फ्लो फॉर हाइड्रेंट, यानी कि एक हाइड्रेंट का पंप है, इसका फ्लो दिया हुआ है 2400 LPM, यानी कि जो पंप रहेगा उसका 2400 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रहेगा। अगर हम हेड के बारे में बात करें कि कितना हेड रहेगा पंप का, तो वो रहेगा 65 मीटर्स, ये पंप का स्पेसिफिकेशन दे दिया हुआ है। और कितना पीस लगने वाला है, रिक्वायर्ड कितना है, एक पीस है, और ये सारी चीजों का जो इंस्टॉलेशन सप्लाई टेस्टिंग कमीशनिंग ये सारी चीज का रेट है वो है 35,000 रुपए, यहाँ पे देखिए रेट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में, अगर पंप रहेगा, अगर स्प्रिंकलर के लिए सेम पंप अगर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि देखिए फ्लो इसका 2400 LPM है और हेड भी इसका 65 मीटर है, यानी कि सेम अगर है तो, अगर बल्कि ये जो ये जो पंप है वो देखिए हाइड्रेंट पंप है और ये जो पंप है वो स्प्रिंकलर पंप है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसका देखिए क्वांटिटी, इसका भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड सिंगल पीस है और इसके अगेंस्ट में इसका रेट देखिए 35,000 रुपए है। अब आगे बढ़ते हैं 1.2 पे चलते हैं, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली ड्रिवन हाई प्रेशर फायर पंप।
पंप फ्लो फॉर स्प्रिंकलर एंड हाइड्रेंट। अब देखिए आया है एक और तरह का पंप आया है जिसमें कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट रहेंगे। उसका भी देखिए फ्लो देखिए 2400 LPM दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका हेड देखिए ये भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल ड्रिवन, ये भी फायर पंप है। अब इसमें बात करेंगे इसका क्वांटिटी भी देखिए एक पीस दिया हुआ है। अगर इसके हम रेट के बारे में बात करते हैं तो इसका रेट देखिए 35,000 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इस पंप की। अब यहाँ पे 1.3 पे दिया हुआ है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमिश्निंग ऑफ जॉकी पंप विथ कंट्रोल पैनल। ये देखिए जॉकी पंप का इंस्टॉलेशन के बारे में दिया हुआ है और पंप का स्पेसिफिकेशन देखिए क्या दिया हुआ है। फ्लो में अगर आप जाएंगे तो 180 LPM है और अगर हेड की बारे में बात करेंगे तो 45 मीटर इसका हेड है, जॉकी पंप है। अगर जॉकी पंप इस स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका क्वांटिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 और जस्ट इसके सामने इसका रेट दिया हुआ है, यानी कि 15,000 रुपये इसको इंस्टॉलेशन करने का रेट है। ये सारा चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पंप रूम एसेसरीज के बारे में एंड पाइपिंग कि पंप रूम के एसेसरीज क्या क्या हैं, उसके अगेंस्ट में जो पाइपिंग है उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं इंस्टॉल करने वाले हैं, उसका क्या रेट रहेगा। यानी 1.5 पे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है SITC ऑफ प्री चार्ज ब्लैडर टाइप एयर वेसल, यानी कि एयर वेसल टैंक का अगर इंस्टॉलेशन करना है तो उसका साइज देखिए 600 mm डाया है और साथ ही साथ 2000 mm हाइट है और इसका जो कैपेसिटी है 450 लीटर्स है, यानी कि उसका जो सर्कुलर डाया है 600 मीटर है, 600 mm है और देखिए उसकी हाइट है वो करीब 2 मीटर है और साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी देखिए 450 लीटर्स का इसका वॉल्यूम है। तो अगर हमको एयर वेसल टैंक इस साइज का अगर हमको इंस्टॉल करना है और 2 पीस इंस्टॉल करना है तो एक का रेट देखिए लिखा हुआ 6500, यानी कि 6500 रुपये एक एयर वेसल टैंक का इंस्टॉलेशन करने का चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं SITC डायल टाइप, यानी 150 mm डायल प्रेशर गेज विथ आइसोलेशन बॉल वॉल एंड प्रेशर रिड्यूसिंग साइफोन सूटेबल। यानी कि अगर हम इसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 150 डायल का तो इसका जो देखिए एक चीज़ का इंस्टॉलेशन करने का यानी प्रेशर गेज का इंस्टॉलेशन करने का पर पीस देखिए यहाँ पे 230 रुपये हैं और साथ ही साथ इसका क्वांटिटी देखिए 7 पीसेस का क्वांटिटी है, यानी कि ये जो रेट दिया हुआ है वो एक पीस का दिया हुआ है और ये जो क्वांटिटी है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपको रिक्वायर्ड है उसका ये क्वांटिटी दिया हुआ है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, 1.7 पे चलते हैं। 1.7 पे देखिए दिया हुआ है SITC प्रेशर स्विच असेंबली SPDT टाइप विथ आइसोलेशन बॉल वॉल सुटेबल फॉर वर्किंग प्रेशर ऑफ 20 PSI। अब देखिए ये जो अगला हमारा एसेसरीज दिया हुआ है वो है प्रेशर स्विच, यानी कि आप प्रेशर स्विच अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका क्या रेट आपको मिलेगा। तो इसका रेट देखिए सीधा लिखा हुआ है 350 रुपीज, यानी कि एक प्रेशर स्विच को इंस्टॉल करने का रेट है 350 रुपये और नंबर ऑफ क्वांटिटी इस साइड पे रिक्वायर्ड है जो कि है 4। अब आगे बढ़ते हैं, 1.8 पे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है SITC ऑफ हैवी सी क्लास GI सक्शन एंड डिलीवरी हेडर ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ कन्फॉर्मिंग टू IS 1239 IS 3589 कॉस्ट सेल इंक्लूड 2 coats ऑफ सिंथेटिक इनेमल पेंट ऑफ अप्रूव्ड शेड ओवर ए कोट ऑफ जिंक क्रोमेट पंप रूम क्वांटिटी। यानी कि जो पंप रूम में हमारा इंस्टॉल होने वाला है पाइप उसका देखिए यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम डायमीटर 200 mm डायमीटर की। अगर आप पंप रूम के अंदर और आपको देखिए उस पर आपको 2 coat का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 coat का आपको सिंथेटिक इनेमल पेंट भी मारना है और देखिए 1 coat जो आपको जिंक क्रोमेट का भी उस पर कोटिंग करना है प्राइमर का। तो यानी ये सब चीज़ें लेके अगर आप 200 mm यानी कि 200 mm डायमीटर का पाइप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखिए यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है RMT यानी कि रनिंग परमीटर के हिसाब से है। तो अगर 200 mm पाइप का अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो देखिए इसका रेट जो है 720 रुपये पर मीटर है, यानी कि डाया अगर 200 mm है और आपको इंस्टॉल करना है तो 1 मीटर पाइप को इंस्टॉल करने का रेट आपको 720 रुपये यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है और जो साइड पे रिक्वायर्ड है वो आपको इंस्टॉल करना है 68 मीटर्स। अब आगे इसी में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर 150 mm डायमीटर की, यानी कि 150 mm डायमीटर अगर आपका पाइप है पंप रूम में इंस्टॉल करना है विथ इनेमल पेंट एंड जिंक क्रोमेट प्राइमर तो इसका जो रेट है वो देखिए 540 रुपये पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर पाइप इंस्टॉल करेंगे तो उसका रेट आपको 540 रुपये पर मीटर मिलेगा। अगर बात करते हैं 100 mm डायमीटर के पाइप के बारे में तो यहाँ पे देखिए उसका रेट लिखा हुआ है 360 रुपीज पर मीटर और इसी में बात करेंगे अगर हम 80 mm डायमीटर के पाइप के बारे में तो इसका रेट बना हुआ है 270 रुपये पर मीटर। यानी कि ये सारे साइजेस के पाइप जो हैं पंप रूम में इंस्टॉल होने वाले हैं
और उस पर आपको पेंट भी करना है और प्राइमर भी करना है, और ये सारे पाइप का जो रेट है पर मीटर जो इंस्टॉल करने का रेट है वो इतना रुपए दिया हुआ है। जो भी हम BOQ में आपको दिखाएंगे, जो भी रेट आपको दिखाएंगे वो इंस्टॉलेशन का रेट रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। उसमें सप्लाई का रेट नहीं है, बस इंस्टॉलेशन का रेट है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला जो टर्म्स हमारा दिया हुआ है। लाइक अगर हम जाते हैं कि 1.9 पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है SITC ऑफ CI बटरफ्लाई वॉल्व एज पर IS 13095 PN16 बॉडी कास्ट आयरन शाफ्ट SS डिस्क CI/SS/DI लाइनर ST कॉस्ट सेल बी इंक्लूसिव ऑफ नेसेसरी यूनियन स्लैश फ्लांज कनेक्शन एंड नेसेसरीज एटसेट्रा। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप बटरफ्लाई वॉल, ये जब चीज़ आप इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका स्पेसिफिकेशन ये सब दिया हुआ है, तो उसका क्या क्या रेट रहेगा। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट नंबर पे, यानी कि 150 mm डायमीटर की तरफ चलता हूँ। तो अगर आप बटरफ्लाई वॉल यूज़ कर रहे हैं, अगर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका साइज 150 mm है, तो एक बटरफ्लाई वॉल को इंस्टॉल करने का रेट है 1560 रुपये। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली मिलेगा आपको 1560 रुपये, यानी कि एक बटरफ्लाई वॉल अगर इस साइज का आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये चार्जेस मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 200 mm डायमीटर का। अगर स्प्रिंकलर हेडर के लिए आप यूज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे लगने वाला है, तो 200 mm डायमीटर का पाइप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, 200 mm डायमीटर का अगर आप बटरफ्लाई वॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका जो रेट है देखिए 2080 रुपये है, 2080 रुपीज इसका एक कॉस्ट, एक बटरफ्लाई वाला अगर आप इंस्टॉल करें तो उसका रेट ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर बात करेंगे 80 mm डायमीटर के बारे में, तो उसको जो बटरफ्लाई वाला अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं 80 mm डायमीटर का, तो उसका रेट है 780 रुपये, यानी कि एक बटरफ्लाई वाला इंस्टॉल करने का रेट 780 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं, 1.1 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है SITC आप अप्रूव्ड क्वालिटी CI वाटर टाइप नॉन रिटर्न वॉल विथ SS डिस्क इंक्लूडिंग कंपेनियन फ्लांजेस विथ कॉस्ट सेल बी इंक्लूसिव ऑफ नेसेसरी यूनियन स्लैश फ्लांज कनेक्शन एंड नेसेसरी एसोसिएशन। इसमें लिखा हुआ है, जो कि सेम चीज इसमें भी लिखा हुआ था, कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं बटरफ्लाई वॉल, तो उसके साथ जो एडिशनल लगने वाले हैं यूनियन है या फिर फ्लांज है जो भी है, वो सब सारा रेट लेके इंक्लूड करके ये रेट आपको मिलेगा। सेम चीज NRV में भी लिखा हुआ है, जब आप ये फ्लांजेस वगैरह सब, क्योंकि जो भी NRV या बटरफ्लाई वॉल है वो विद फ्लांजेस ही इंस्टॉल होते हैं, तो वो सारा फ्लांज वगैरह लेके जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, लाइक अगर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं NRV के, यानी कि जिसका साइज है 150 mm डाया फॉर पंप, यानी कि 150 डायमीटर का अगर आप NRV इंस्टॉल करते हो, तो उसका जो प्राइस है इंस्टॉलेशन का वो है 1800 रुपये पर क्वांटिटी। देखिए नोज लिखा हुआ, यानी एक पीस लगाने का 1800 रुपये मिलेगा आपको। अगर वहीं आप चलते हैं 80 रुपये mm डायमीटर फॉर पंप्स, जॉकी, अगर जॉकी पंप में अगर जो ये इंस्टॉल होने वाला है NRV जिसका साइज 80 mm है, तो इसको इंस्टॉल करने का कॉस्ट है 780 रुपीज पर नोज, यानी कि एक पीस इंस्टॉल करेंगे अगर आप NRV 80 mm साइज का, तो आपको 780 रुपये मिलेगा। इसी में आगे बढ़ेंगे, अगर 200 mm डायमीटर के NRV की बात करते हैं जो कि स्प्रिंकलर मेन हेडर में लगेगा, तो अगर 200 mm डायमीटर का NRV अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट है 2080 रुपीज, यानी कि रेट अगर आप मैच करेंगे तो आपको NRV का या फिर बटरफ्लाई वॉल का रेट लगभग सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ को इंस्टॉल करने में सेम मेहनत है, सेम डिज़ाइन है और सेम टाइप का इंस्टॉलेशन होता है, तो इसलिए दोनों का रेट लगभग सेम ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे SITC ऑफ CI बॉडी गेट वॉल कन्फॉर्मिंग टू IS 778 क्लास सेकेंड विथ हाई टेंसाइल ब्रास राइजिंग स्टीम सुटेबल फॉर द, ये सारी चीज़ें इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप कास्ट आयरन का गेट वॉल बॉडी उसका रहेगा गेट वॉल, अगर आप गेट वॉल इंस्टॉल कर रहे हो, अगर इसका साइज 200 mm है, तो एक गेट वॉल को इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट होगा वो है 2800 रुपीज, यानी कि 2800 रुपये अगर आपको मिलेंगे अगर आप गेट वॉल का इंस्टॉलेशन कर रहे हो 200 mm साइज का। अब इसी में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 150 mm डायमीटर का, तो अगर 150 mm डायमीटर का अगर आप गेट वॉल इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसका जो कॉस्ट है पर यूनिट वो है 2100 रुपये, यानी कि आपको क्लियरली मिल जाएगा कि पंप रूम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी है और उसका अगेंस्ट में ये रेट दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ फायर पंप्स एंड इक्विपमेंट। अब पंप रूम में आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल होने वाली हैं और उसका क्या क्या रेट बना हुआ है।
अब दूसरे नंबर पर चलते हैं, एक नंबर का क्लियर हो गया हमारा, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है हाइड्रेंट पाइपिंग एंड एक्सेसरीज, यानी कि हाइड्रेंट का सिस्टम में, हाइड्रेंट में क्या क्या चीजें हैं, उसके अगेंस्ट में पाइपिंग क्या क्या है और उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्सेसरीज है, उसके रेट्स के बारे में चलते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए 2.1 पे क्या दिया हुआ है, SITC ऑफ हैवी सी क्लास GI पाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ कंफर्मिंग टू IS 1239/IS 3589 विथ वेल्डेड ज्वाइंट्स बाय वेल्डिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ गैल्वेनाइज्ड सपोर्ट हैंगर शैल नॉट बी परमिटेड। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम पाइप का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर भी वही दिया हुआ है, कॉस्ट शैल इंक्लूड 2 coats ऑफ सिंथेटिक इनेमल पेंट ऑफ अप्रूव्ड शेड ओवर ए कोट ऑफ जिंक्रोमेट। सीधा सीधा इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप ये साइज का पाइप इंस्टॉल कर रहे हो और उस पर आपको 2 coat सिंथेटिक इनेमल पेंट मारना है और आपको 1 coat जिंक क्रोमेट पेंट मारना है, और पेंट मारने के बाद ये सारा पाइप अगर आप इस साइज का आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका रेट क्या रहेगा। 80mm डायमीटर की बात करते हैं तो इसका रेट रहेगा ₹270 per meter, यहाँ पे देखिए RMT लिखा हुआ है। और अगर 150mm डायमीटर के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रेट रहेगा वो रहेगा ₹540 per meter। ये देखिए दो साइजेस हैं इसका, ये रहेगा। और जो ये दोनों पाइप जो आ रहे हैं वो देखिए हाइड्रेंट सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि हाइड्रेंट सिस्टम में आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि हाइड्रेंट सिस्टम में बस दो साइज का पाइप इस्तेमाल होने वाला है, जो कि है 80mm डायमीटर और 150mm डायमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2.2 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है SITC ऑफ ग्लास वूल इन बिटवीन पाइप्स एंड क्रॉसिंग द वॉल्स फ्लोर्स एंड सीलिंग द स्लीव्स एंड फायर सीलेंट। इसमें देखिए उसका भी ये, अगर ये चीजें अगर आप यूज करते हो एज ए फायर सीलेंट, ग्लॉस वूल अगर आप यूज करते हो तो ये चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे इसका रेट नहीं दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं 2.5 पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SITC ऑफ पुश बटन अरेंजमेंट विथ MS बॉक्स एंड रिक्वायर्ड नेसेसरी केबल्स फ्रॉम द बूस्टर पंप टू पुश 4 coat इंटू 60 square mm आर्मर्ड एल्यूमिनियम FRLS केबल टू स्टार्ट स्लैश स्टॉप द बूस्टर पंप फ्रॉम ऑल फ्लोर्स 3 coat इंटू 2.5 square mm CU आर्मर्ड FRLS टू स्टार्ट स्लैश स्टॉप द बूस्टर पंप फ्रॉम ऑल द फ्लोर्स केबल टर्मिनेशन। यानी कि अगर केबल टर्मिनेशन की बात करते हैं तो अगर नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, अगर 2.5 पे चलते हैं SITC आप पुश बटन, अगर आप पुश बटन है, पुश बटन का अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो एक पुश बटन का इंस्टॉलेशन का जो रेट है वो है ₹950 per nose, यानी एक पुश बटन आपने इंस्टॉल किया तो आपको ₹950 मिलेंगे। अगर आप इसमें ए में जाते हो, अगर 4 coat into 16 square mm आर्मर्ड केबल का FRLS केबल अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, यानी कि ये केबल, ये साइज का केबल, ये स्पेसिफिकेशन का केबल अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो अगर आप 1 meter इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका जो कॉस्ट है वो ₹65 per meter है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। और सेम चीज अगर यहाँ पे आएंगे, अगर 4 core का 16 square mm का आर्मर्ड केबल अगर आप यूज कर रहे हो फॉर FRLS केबल एंड टर्मिनेशन, विद टर्मिनेशन अगर आप कर रहे हो तो वहां पे देखिए ₹550 per meter आपको मिलेगा केबल टर्मिनेशन का रेट। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, दैट इज रेट ऑफ केबल टर्मिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं बूस्टर पंप के लिए, बूस्टर पंप ऑपरेटिंग लॉजिक, ये बूस्टर पंप का एक ऑपरेटिंग लॉजिक दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है बूस्टर पंप शैल बी कनेक्टेड वाया कंट्रोल वॉल कंट्रोल केबल एट एवरी फ्लोर लेवल टू बी ऑपरेटेड बाई फायर मार्शल इन वेंडर टू कंसिडर ऑल द नेसेसरी कंट्रोलर रिले PLC डिवाइसेस इन द बूस्टर पंप स्टार्टर पैनल। ये सारा चीज बूस्टर पंप के बारे में एक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि और चीजों में क्या क्या दिक्कतें हैं उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है बूस्टर पंप तक, अब चलते हैं 2.6 पे। 2.6 में देखिए क्या दिया हुआ है, SITC अप्रूव्ड मेक ब्रास एयर रिलीज वॉल इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग द फिक्सिंग कट ऑफ वॉल ऑल फिक्सिंग एंड एक्सेसरीज एटसेट्रा एंड एज 25mm। यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप एयर रिलीज वॉल इंस्टॉल कर रहे हो, कहने का मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप एयर रिलीज वॉल इंस्टॉल कर रहे हो तो जिसका साइज 25mm है तो उस एयर रिलीज वॉल को इंस्टॉल करने का क्या चार्ज रहेगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ₹420 per nose। देखिए यानी एक को अगर आप इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी साइट पे 6 है, तो अगर आप एक को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको एक को इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो है ₹420 आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 2.7 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है SITC ऑफ SS फायर हाइड्रेंट सिंगल हेडेड लैंडिंग वॉल
इंटरनल विथ सीआई हैंड व्हील विथ 80/100 mm एनबी फ्लांज इनलेट ब्रास, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, आप जो हाईलाइटेड पोर्शन आप उस पर ध्यान दो कि फायर हाइड्रेंट सिंगल हेडेड लैंडिंग वॉल, यानी कि जो हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो लैंडिंग वॉल हम इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका वो जो स्पेसिफिकेशन है वो है सिंगल हेडेड। तो एक फायर हाइड्रेंट को इंस्टॉल करने का जिसका साइज 80 या फिर 100 mm है, उसको इंस्टॉल करने का जो चार्ज दिया हुआ है देखिए 950 दिया हुआ है, यानी कि एक पीस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका चार्ज 950 रुपीज है अगर आप एक लैंडिंग वॉल सिंगल हेडेड इंस्टॉल कर रहे हो। सेम चीज अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डबल हेडेड, यह ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल हेडेड, यानी कि लैंडिंग वॉल अगर आप इंस्टॉल करने जा रहे हो जिसका स्पेसिफिकेशन ऐसा दिया हुआ है और वो डबल हेडेड है तो उसका जो कॉस्ट होता है इंस्टॉल करने का वो 1250 रुपये है। देखिए यहाँ पे 1250 रुपये एक को इंस्टॉल करने के लिए, एक लैंडिंग वॉल को इंस्टॉल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2.11 पे। इसमें देखिए लिखा हुआ है SITC ऑफ स्विंगिंग टाइप फर्स्ट एड होज रील, यानी कि फर्स्ट एड होज रील है अगर स्विंगिंग टाइप का है तो इसका जो देखिए स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है, इन रेड कलर ड्रम विथ 60 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm हैवी ड्यूटी RLS सिंथेटिक रबर, यानी कि ये फर्स्ट एड होज है जिसमें 30 मीटर लॉन्ग आपका केबल ये रहेगा, रेड कलर ड्रम रहेगा 30 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर का ये हैवी ड्यूटी RRL सिंथेटिक रबर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा रहेंगी तो इसको जो इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो एक होजरील को इंस्टॉल करने का कॉस्ट हो गया 1350 रुपये पर होजरील। ये देखिए नोज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2.12 में। इसमें देखिए लिखा हुआ है SITC ऑफ नॉन परकोलेटिंग रबर रीइंफोर्स्ड लाइंड कैनवस फायर होज पाइप, यानी कि अगर कैनवस पाइप का अगर आप करते हो जिसका लेंथ देखिए 2:30 है, यानी अगर आप इसका इंस्टॉलेशन करते हो जिसमें इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि एज पर IS 636 टाइप बी ऑफ 63 mm डायमीटर EPDM लाइनिंग, यानी कि अगर कैनवस पाइप का अगर आप कैनवस होज पाइप का अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो एक कैनवस पाइप को इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो है 450 रुपीज, नोज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो अगला प्रोडक्ट है SITC नॉन परकोलेटिंग रबर, अगर इसमें भी देखिए ये भी कैनवस पाइप है बट ये देखिए इसका भी साइज लगभग सेम ही है 2:15 mm लेंथ, तो यहाँ पे भी देखिए रेट लगभग सेम ही है, इसका साइज इसका 11 नोज है इसका 8 नोज है, तो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, रेट भी उसका कॉमन ही है। अब बात करते हैं 2.14 की तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे SITC वेदर प्रूफ लॉकेबल कैबिनेट ऑफ साइज, ये साइज दिया हुआ है ऑफ हैविंग सेंट्रल ओपनिंग, तो अगर ये वेदर प्रूफ लॉकेबल कैबिनेट का अगर इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं विथ दीज स्पेसिफिकेशंस तो इसका जो इंस्टॉलेशन का चार्ज है वो है 650 रुपये पर नोज के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2.15 पे। यहाँ पे देखिए SITC ऑफ ग्लास डोर्स फॉर फायर शाफ्ट, यानी कि जो ग्लास डोर अगर हम यूज करने वाले हैं फायर शाफ्ट के लिए विथ ऑल दीज स्पेसिफिकेशन तो इसको इंस्टॉल करने का जो चार्ज है वह है 1750 रुपये पर नोज। अब आते हैं 2.16 पे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है SITC गन मेटल फायर सर्विस इनलेट कनेक्शन, यानी कि जो इनलेट कनेक्शन है फायर सर्विस में तो अगर उसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो विथ दीज स्पेसिफिकेशंस तो उसका जो एक को इंस्टॉलेशन करने का चार्ज है उसका चार्ज है 1550 रुपये। और SITC ऑफ टू वे साइमीज कनेक्शन, अगर टू वे साइमीज कनेक्शन का अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विथ ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस तो उसका जो रेट है इंस्टॉलेशन का वो है 1250 रुपये। ये हो गया जो हमने अभी तक बात किया रेट्स का उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेंट एंड पाइपिंग, उस बाद फिर से बढ़ते हैं। ये हाइड्रेंट का पाइपिंग का हो गया, अब चलते हैं स्प्रिंकलर की तरफ जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। ये आप देखेंगे स्प्रिंकलर्स दिए हुए हैं तो स्प्रिंकलर्स में आएंगे स्प्रिंकलर पाइपिंग एंड एसेसरीज में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है SITC ऑफ हैवी सी क्लास GI पाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ कंफर्मिंग टू IS 1239/IS 3589 विथ वेल्डेड ज्वाइंट्स बाय मीन्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। ये ध्यान दीजिएगा आप, वेल्डेड ज्वाइंट है यानी कि जो भी ये काम है वो वेल्डिंग का काम है विथ आर्क वेल्डिंग। GI पाइप स्लीव ऑफ सुटेबल हायर साइज शैल बी प्रोवाइडेड वेयर एवर द पाइप्स आर क्रॉसिंग द वॉल्स फ्लोर्स एंड सीलिंग द स्लीव्स। कॉस्ट शैल इंक्लूड 2 कोट्स ऑफ सिंथेटिक इनेमल पेंट ऑफ अप्रूव्ड शेड
ओवर ए कोट ऑफ प्राइमर प्रायर टू अप्लीकेशन ऑफ प्राइमर फॉर स्प्रिंकलर पाइप। यानी कि देखिए ये पाइप के साइजेस दिए हुए हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, और कंडीशन क्या दी हुई है, यहीं पे सारा गेम होता है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो भी पाइप है उसका आईएस कोड ये रहेगा, और आपको दो कोट आपको सिंथेटिक इनेमल पेंट मारना है एज अप्रूव्ड शेड ओवर ए कोट ऑफ प्राइमर, और एक कोट प्राइमर भी मारना है। यानी कि फर्स्ट कोट प्राइमर मारेंगे, उसके बाद दो कोट ये भी मारना पड़ेगा। उसके बाद आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम जीआई सी क्लास हैवी पाइप, यानी सी क्लास के हैवी पाइप में आपको ये रेट मिलेगा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो सबसे मिनिमम साइज होता है प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज करने का आमतौर पे, वो है 25 mm डायमीटर, यानी कि 25 mm डायमीटर का पाइप। इसका जो रेट दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ रेट, यानी कि 25 mm डायमीटर के पाइप को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो 1 मीटर पाइप को इंस्टॉल करने का रेट है आपको 90 रुपये पर मीटर, यानी 90 रुपये पर मीटर। ये जो रेट है काफी कम है, इस पर आप निगोशिएट करके इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये 90 से लेके एज पर साइट कंडीशन 120, 130, 140 तक भी जा सकता है। बट ये एक मैंने एक नॉर्मल बहुत कम रेट दिखा के आपको एक गाइडेंस दिया हुआ है, बट ये रेट नेगोशिएबल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बिल्कुल कम से कम रेट मैंने दिया, यानी कि आप इस पे नेगोशिएट करके 90 को अप टू 140 तक लेके जा सकते हो। अब इधर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 32 mm डायमीटर यानी कि 32 mm डायमीटर के पाइप के बारे में। तो इसका जो रेट दिया हुआ है वो है 113 रुपये पर मीटर के हिसाब से। 40 के पाइप के बारे में बात करेंगे, ये देखिए 40 mm डायमीटर का पाइप है, तो इसका जो रेट है वो है 135 रुपीज़ पर मीटर। 50 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रेट है वह है 180 रुपीज़ पर मीटर। 65 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे तो इसका रेट है 225 रुपये पर मीटर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप। अगर हम 80 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे तो इसका रेट है 270 रुपये पर मीटर। अगर 100 mm डायमीटर के पाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रेट है 360 रुपीज़ पर मीटर। अगर 150 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करेंगे तो इसका रेट है 540 रुपये पर मीटर। अगर 200 mm डायमीटर का पाइप है तो इसका रेट है 720 रुपये पर मीटर के हिसाब से। यानी कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट, जो इस पूरे वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो यही है कि ये सारे साइजेस के पाइप का मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है। तो ये मिनिमम रेट मैंने आपको बताया है, मतलब इसके नीचे तो काम करना ही नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर आपको रेट मिल रहा है तभी आपको काम पकड़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3.2 पे। 3.2 में दिया हुआ है SITC ऑफ GI B क्लास पाइप फॉर ड्रेन, कि अगर आप GI का पाइप यूज़ कर रहे हो बट वो B क्लास का है और यहाँ पर ड्रेन के लिए स्पेशली उसको यूज़ किया जा रहा है तो उसका क्या रेट है। आप सबसे पहले देखिए किस किस साइज़ का पाइप यूज़ कर रहे हैं हम। 32 mm डायमीटर का पाइप यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंकलर ड्रेन पाइप फॉर ब्रांच लाइन टू वर्टिकल डाउनटेक इन द फायर डक्ट बेसमेंट टू टॉप फ्लोर, एंड 80 mm डायमीटर का भी पाइप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर 32 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करते हैं, अगर बी क्लास का है तो उसका भी रेट देखिए 113 रुपये ही लगाया हुआ है। यानी कि रेट में हमने कॉमन ही रखा हुआ है, रेट जो उसका है वही इसका भी लगाया है। यानी देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 32 mm डायमीटर का पाइप का इंस्टॉलेशन रेट 130 नहीं था। अब 80 mm डायमीटर के पाइप की तरफ चलेंगे तो इसका भी रेट 270 रुपये है, और यहाँ पे भी हमने देखिए 270 रुपये ही लगाया था। यानी कि बी और सी क्लास के पाइप में कुछ देखा जाए तो इंस्टॉलेशन के तौर पे कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसलिए हमने उसका रेट कॉमन ही लगा के रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगर हम इसी में 3.3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3.3 पे SITC ब्रास वॉल बाल वॉल विथ फोर्ज ब्रास बॉल स्क्रू टाइप सुटेबल फॉर टेस्ट प्रेशर फॉर ऑफ PN16 ऑफ द फॉलोइंग साइज इंक्लूडिंग। यानी कि अगर हम बॉल वॉल का अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और जिसमें साइजेस हैं 25 mm, तो एक बॉल वॉल को इंस्टॉल करने का जो चार्ज है वो है 420 रुपये ऑफ डाया 25 mm, और अगर हम 32 mm डायमीटर का बॉल वॉल अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 560 रुपये पर नोज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ बॉल वॉल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SITC ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल यानी कि PRB की बात करते हैं, कि अगर उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा लाइक PN16 रेटिंग विथ इनर प्रेशर एंड आउटलेट प्रेशर सेटिंग, और उसका साइज जो रहेगा 150 mm डायमीटर फॉर लोअर एंड अपर बेसमेंट, तो उसको इंस्टॉलेशन करने का चार्ज क्या रहेगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इंस्टॉल कर रहे हो ऑफ 150 mm डायमीटर तो उसको इंस्टॉल करने का चार्ज रहेगा 420 रुपये पर यूनिट, यानी एक को अगर आप इंस्टॉल करें तो 420 रुपये लगेंगे। अब आते हैं 3.5 पे।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है SITC ऑफ CI बटरफ्लाई वॉल एज पर IS 1239। लाइक देखिए यहाँ पे देखिए SITC ऑफ CI 12 बटरफ्लाई वॉल एज पर IS 13095 PN16। यानी कि बटरफ्लाई वॉल अगर हम यूज कर रहे हैं, CI का बटरफ्लाई वॉल है जिसका IS 13095 है विथ PN16, प्रेशर रेटिंग जो है 16 है, बॉडी कास्ट आयरन है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आप बटरफ्लाई वॉल इंस्टॉल करने जा रहे हैं विथ दीज साइजेस, तो उसका रेट क्या है। सबसे पहले देखेंगे 50 का देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल है ही नहीं, तो इसका देखिए रेट नहीं दिया हुआ है। अगर आप 80 mm डायमीटर की तरफ चलते हैं तो इसका एक बटरफ्लाई वॉल अगर 80 mm साइज का है तो उसको इंस्टॉल करने का जो रेट है वो है ₹520। और अगर 100 के बटरफ्लाई वॉल के साइज के बारे में बात करते हैं तो इसको इंस्टॉल करने का रेट है ₹1040। और अगर 150 mm डायमीटर का पाइप है और उसमें बटरफ्लाई वाल हमको इंस्टॉल करना है, यानी कि 150 साइज का बटरफ्लाई वाल अगर हमको इंस्टॉल करना है तो इसको इंस्टॉल करने का रेट है वो है ₹1560। यानी कि ₹1560 बटरफ्लाई वॉल को इंस्टॉलेशन करने का चार्ज है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SITC ऑफ CI 1.6 किलोमीटर पर स्क्वायर प्रेशर रेटिंग डबल फ्लैंज इंस्टॉलेशन कंट्रोल वॉल। यानी कि अगर हम कंट्रोल वॉल का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल वॉल विद अलार्म गॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन स्टॉप, ये सारा चीजें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये कि अगर आप कंट्रोल वॉल का इंस्टॉलेशन कर रहे हो जिसका साइज 200 mm डायमीटर है तो उसको इंस्टॉल करने का चार्ज देखिए ₹4500, यानी कि ₹4500 एक कंट्रोल वॉल को इंस्टॉल करने का कॉस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3.7 पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SITC ऑफ ब्रास कॉर्डजॉइड स्प्रिंकलर ऑफ 25 mm डाया सुटेबल फॉर सस्टेनिंग द प्रेशर ऑन द सीट एंड वाटर हैमर इफेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पेंडेंट स्प्रिंकलर है, अलग अलग टाइप का स्प्रिंकलर है। सबसे पहला देखिए दिया हुआ है रिसेस्ड पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर 15 mm एडजस्टेबल 57 डिग्री सेल्सियस स्प्रिंकलर क्विक रिस्पॉन्स के 8.0 लिफ्ट लॉबी। यानी कि लिफ्ट लॉबी में ये स्प्रिंकलर लगेगा जो कि रिसेस टाइप का पेंडेंट स्प्रिंकलर है जिसका टेम्परेचर रेटिंग है 57 डिग्री सेल्सियस। इसको इंस्टॉल करने का, यानी एक स्प्रिंकलर को इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो है ₹150। यानी कि एक स्प्रिंकलर अगर हम इंस्टॉल करेंगे इस टाइप का तो इसका इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो है ₹150 पर स्प्रिंकलर। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं जो कि सबसे कॉमन है, पेंडेंट टाइप स्प्रिंकलर के 5.6 68 डिग्री सेल्सियस ऑल फ्लोर 15 mm। यानी कि पूरे फ्लोर पे इसको इंस्टॉल करना है और पेंडेंट स्प्रिंकलर है जिसका के है 5.6 और ये 68 डिग्री सेल्सियस का है। अगर देखा जाए तो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज देखिए ₹110 मात्र हैं। और नंबर ऑफ क्वांटिटी देखिए 638 है, यानी इतना पीस लगाना है और एक पीस लगाने का इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो ₹110। अगर साइड वॉल स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो अगर साइड वॉल स्प्रिंकलर लगाना है विथ के की वैल्यू 5.6 से 68 डिग्री सेल्सियस का है तो इसको इंस्टॉल करने का जो चार्ज है वो देखिए वो भी ₹110। यानी कि दोनों को इंस्टॉलेशन का चार्ज ₹110 कम से कम हमने दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3.8 पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि SITC इंस्पेक्टर्स टेस्ट ड्रेन असेंबली। अगर हम टेस्ट ड्रेन असेंबली का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कंप्लीट विथ टेस्ट वॉल साइड ग्लास सेक्शन ड्रेन वॉल यूनियन नेसेसरी पाइपिंग थ्रेडिंग, ये सारा चीजें को अगर लेके हम इंस्पेक्टर्स टेस्ट ड्रेन असेंबली का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विथ 25 mm डायमीटर तो इसका जो कॉस्ट है वो है ₹550। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका भी रेट काफ़ी कम है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3.10 पे। वहाँ पे लिखा हुआ है SITC इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाटर फ्लो स्विच इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज कंप्लीट विथ टैप ऑफ सॉकेट अरेंजमेंट। अब देखेंगे, अगर आप देखेंगे वाटर फ्लो स्विचेस के बारे में बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल करने का क्या रेट है। अगर हम 100 mm डायमीटर में चलते हैं तो इसका रेट है ₹950 पर नोज। और अगर 80 mm डायमीटर में चलते हैं वाटर फ्लो स्विच को लगाने के लिए, यानी कि फ्लो स्विच को लगाने के लिए देखिए अगर 100 के पाइप में लगाते हैं तो ₹950, 80 के पाइप में लगाते हैं तो ₹850 वाटर फ्लो स्विच का दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं 3.11 पे चलते हैं, बात करेंगे SITC इंस्पेक्टर्स टेस्ट असेंबली। इंस्पेक्टर टेस्ट असेंबली में अगर 80 mm डायमीटर का पाइप है
तो इसको इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट है वो देखिए 1350 यानी कि 1350 रुपये इसका कॉस्ट है। SITC ऑफ पाइप सपोर्ट इन GI एंगल चैनल एक्सेट्रा फॉर हाइड्रेटेड एंड स्प्रिंकलर सिस्टम सेल नॉट सेल बी हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड एज पर साइट कंडीशन। तो अब देखेंगे अगर हम पाइप सपोर्ट लगा रहे हैं, अगर एंगल या चैनल लगा रहे हैं, तो उसका जो रेट होता है वो पर मीटर नहीं होता है, वो पर केजी के हिसाब से इसका रेट दिया जाता है। जो भी हम साइट पे एंगल सपोर्ट लगा रहे हैं, सी चैनल लगा रहे हैं, तो उसका केजी के हिसाब से रेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो रेट देखिए दिया हुआ केजी के हिसाब से, अगर हम अगर 1 KG अगर हम ये सपोर्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका रेट रहेगा 1 KG का 4500 रुपये पर KG। यानी अगर हम स्प्रिंकलर का या फिर हाइड्रेंट का मेन हेडर अगर कहीं इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको इंस्टॉल करने के लिए हमको सी चैनल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उस सी चैनल को या फिर एंगल को इंस्टॉल करने का 4500 रुपये पर KG रेट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर हम टोटल ऑफ स्प्रिंकलर एंड पाइपिंग, ये हमने बता दिया आपको जस्ट ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पोर्टेबल केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर्स। अब एक्सटिंग्यूशर्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सटिंग्यूशर्स में कौन कौन से। सबसे पहले 4.1 में चलते हैं, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर विद प्रोविजन ऑफ वॉल ब्रैकेट फिक्सिंग। सबसे पहले देखेंगे कौन सा दिया एक्सटिंग्यूशर, देखिए ISI मार्क्स में दिया हुआ पोर्टेबल मैकेनिकल फोम टाइप का एक्सटिंग्यूशर। देखिए सबसे पहले दिया फोम टाइप का एक्सटिंग्यूशर विथ 9 लीटर कैपेसिटी। दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है एक्सटिंग्यूशर के केस में, सबसे पहले कि कौन सा एक्सटिंग्यूशर है, किस टाइप का, और उसकी कैपेसिटी क्या है। ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटिंग्यूशर के केस में। तो यहाँ पे देखिए फोम टाइप का एक्सटिंग्यूशर है जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर है, इसको इंस्टॉल करने का जो रेट है वो देखिए 250 रुपये पर यूनिट है। यानी कि अगर आप ये टाइप का एक्सटिंग्यूशर इंस्टॉल कर रहे हो तो 250 रुपये आपको मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, अगर बात करेंगे हम ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं विथ 6 KG कैपेसिटी, तो उसका जो रेट है वो भी 250 रुपये है। अगर ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर आप इंस्टॉल कर रहे हैं विथ 9 KG कैपेसिटी, तो उसको इंस्टॉल करने का भी रेट 250 रुपये है। और अगर आप 4 KG का ABC पाउडर इंस्टॉल कर रहे हो, यानी कि सबसे छोटा वाला अगर आप ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसको इंस्टॉल करने का रेट है वो देखिए 200 रुपये पर यूनिट है। और सबसे लास्ट में चलते हैं, बात करेंगे अगर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन एट अप्रूव्ड लोकेशन अप्रूव्ड मेक फायर बकेट ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट स्टैंडर्ड 9 लीटर कैपेसिटी। इसमें दिया हुआ अगर हम फायर बकेट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसका कैपेसिटी 9 लीटर है, तो उसको इंस्टॉल करने का क्या रेट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगर बकेट अगर हम लगा रहे हैं, यानी कि 2 नोज बकेट लगा रहे हैं और सिंगल बकेट लगा रहे हैं, तो दोनों का भी रेट सेम है, यानी कि 200 रुपये बकेट लगाने का इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। यह हुआ एक प्रॉपर BOQ के अगेंस्ट में उसका कितना क्वांटिटी साइड पे लगने वाला है और उसका उसके अगेंस्ट में क्या रेट है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। ये कंप्लीट वीडियो था फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के BOQ के बारे में, आप पूरा का पूरा देख लीजिए। ये जो रेट हमने बताया है वो हर जगह पे SITC लिखा हुआ है, बट आप इस पर मत जाना। ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये बस केवल इंस्टॉलेशन का रेट है, यानी कि इसमें सप्लाई का रेट नहीं है। आप क्लियरली समझ जाइए कि ये जो रेट मैंने आपको बताया है ये बस इंस्टॉलेशन का रेट है। और इंस्टॉलेशन रेट में किस कैटेगरी के कॉन्ट्रेक्टर का, जो कि अभी स्टार्ट किया हुआ है और एज ए फर्म अभी नहीं खोल पाया है, कोई कंपनी नहीं स्टार्ट कर पाया है, एज ए बेसिक कॉन्ट्रेक्टर है, तो उसके लिए ये सारे रेट्स दिए हुए हैं, ये अभी मार्केट में रेट्स चल रहे हैं। बट ये सारे रेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये नेगोशिएबल है, यानी कि जो मैंने आपको रेट दिया है वो बिल्कुल कम रेट दिया हुआ है, यानी कि ये सारे रेट पे आप बात करके सारे रेट्स को बढ़ा सकते हो। ये जो रेट था मिनिमम टू मिनिमम रेट था, इससे कम रेट पे तो आपको काम ही नहीं करना है। यानी जो भी रेट मैंने आपको दिया है लगभग हमने सारा चीज़ कवर किया, फायर पंप रूम कवर किया हमने, हाइड्रेंट सिस्टम कवर किया, स्प्रिंकलर सिस्टम कवर किया, साथ ही साथ हमने फायर एक्सटिंग्यूशर भी कवर किया और उसके अगेंस्ट में क्या क्या रेट आ रहे हैं किस किस चीज़ के, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ का ड्राइंग, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज़ में आपको क्या कन्फ्यूज़न है, तो हमको हम आपको कमेंट के ज़रिए बता देंगे कि ये चीज़ में ये चीज़ें अप्रोप्रिएट रहेंगी। तो ये रहा लगभग एक साइट का मैंने BOQ निकाल के आपको शेयर किया कि ऐसा BOQ होता है। आप इसके इसको एक रेफरेंस लेके आप BOQ आगे भी फॉर्म कर सकते हैं, जल्दी ये BOQ मिलता नहीं है। तो ये मेरी साइट का ही BOQ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया,
तो जैसा भी हो, अगर आपको ये चीज़ें में कहीं में भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।